नमस्कार, हैप्पी हार्ट 11:11 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुदीप्ता और आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लाई हूँ, टू चेंज योर माइंड सेट टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हाउ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट हेल्प्स इन प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग। मैं रिपीट करती हूँ, हाउ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट हेल्प्स इन प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग। लेट्स डाइव डीप इनटू द वीडियो और इसे समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। दोस्तों, क्या आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं रोज़ाना कि आपका ब्रेन जो है, या माइंड हम कहेंगे, ब्रेन आपकी बॉडी का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपका माइंड जो है फंक्शन करता है। माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है और ब्रेन एक कंक्रीट कंसेप्ट है। बॉडी में ब्रेन है तभी माइंड उसको हार्नेस करके, मतलब माइंड उस ब्रेन का यूज़ करके फंक्शन कर पा रहा है। तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा रोज़ाना में कि ब्रेन फ्रीज हो जाना, ब्रेन फॉगिंग, जोन आउट कर जाना किसी भी सिचुएशन से, या फिर आप अगर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो फ़ोन स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कोई भी एक काम कर रहे हैं तो आप उसी को करते जा रहे हैं, या फिर जैसे बैठे हैं तो बस बैठे हुए हैं और आप कुछ और करने के लिए, मतलब जो नेक्स्ट टास्क है आपकी लाइफ का या उस दिन के लिए जो नेक्स्ट टास्क है उसको आप करने के लिए एक्शन ही नहीं ले पा रहे। बेसिकली आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, आप रुक गए हैं। आपका ब्रेन अब आपकी बॉडी को कमांड ही नहीं दे पा रहा है कि अब ये उठो और ये काम करो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल आप ऐसे हो गए हैं कि आपको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे पास इतने सारे काम पड़े हैं पर मुझे आगे का काम करना है। तो इसका रीज़न ये है कि आपकी जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं अभी एक स्टैग्नेशन, उस पॉइंट में आपका ब्रेन स्टैग्नेशन के स्टेटस में होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। और इसीलिए फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। क्योंकि जब आप फिजिकली मूव करते हैं अपने बॉडी को, जैसे कि जॉगिंग के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू, एक्सरसाइजिंग के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू, योगा के थ्रू, या प्राणायाम, मेडिटेशन तो चलो एक स्टिल पोजिशन हो गया, बट हम यहाँ फिजिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो जिस भी तरीके से आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, करवा पाते हैं, तो उससे ऑक्सीजन का जो फ्लो है आपकी बॉडी में वो अच्छा होता है। द ऑक्सीजन सर्कुलेशन इंक्रीजेस, और उससे आपकी, क्योंकि आप जब भी आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे एक किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तो उसमें आपकी सांस हमेशा जल्दी जल्दी चलने लगती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्रेन तक ऑक्सीजन जल्दी जाता है और वो जो रुका हुआ कहीं एक ब्लॉकेज होता है वो क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए बॉडी का फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है पूरे दिन में एट डिफरेंट इंटरवल्स, ताकि आपकी ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे सारा दिन फ़ोन को लेके या कोई भी एक काम आप लगातार कर रहे हैं, तो बॉडी में मतलब ऑक्सीजन इतना नहीं जा रहा है, स्पेशली अगर आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं सारा सारा दिन। इसीलिए लोग बोलते हैं गो आउट इन द नेचर, या नेचर जो ट्रैक्स करते हैं लोग, उसका रीज़न ही यही है कि आपको थोड़ा ऑक्सीजन या नेचर की तरफ लेके जाने का रीज़न है। वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होगी। जो लोगों को छोटी छोटी बात में मतलब स्ट्रेस रहना पूरे दिन भर, एंग्जाइटी रहना, ओवरवेल्म की फीलिंग कि इतना सारा काम है कौन करे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप एक तरीके से स्टक फील करते हो अपने माइंड में, चाहे ब्रेन फ्रीजिंग के कारण फील करो, लगातार काम कर रहे हो तो ब्रेन फॉगिंग हो गई है, फ़ोन स्क्रॉल करते करते आप कहीं ना कहीं खो गए हो, आपको होश ही नहीं है कि आप प्रेजेंट में, आपके पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको आपको पूरा करना है, कोई भी मतलब एक काम करते करते बस उसी को करते जा रहा हूँ, चाहे तो बैठे ही हो खाली। उस स्टेट में आपका ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाए डुलाए, बाहर निकलिए, टेरेस पर वॉकिंग करने के लिए जाइए, जॉगिंग करने के लिए जाइए, या नेचर के आसपास, पेड़ों के आसपास थोड़ा वॉक करिए, या वहाँ जाके बैठे अगर वॉक भी नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का फ्लो बेटर रहता है, ठीक है। और वहाँ आप नेचर के जो साउंड है उसको सुन के आपका थोड़ा ध्यान रियलिटी में आता है, रियलिटी में आता है कि आपको छोड़ के बाहर और भी चीज़ें हैं, बर्ड्स चर्प कर रही हैं, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़, हवा चलने की आवाज़, चलने की आवाज़ और हवा चलते हुए महसूस करना अपनी स्किन में, और भी जो भी वहाँ गतिविधियाँ हो रही होती हैं आपके आसपास नेचर के अराउंड, गिलहरी भाग के जा रही है, खाना देख रही है, तो आप कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस में आते हो और फिर आपको बेटर फील होने लगता है। जो आप स्टक फील कर रहे होते हैं यहाँ पे लगातार में भी कंप्यूटर में बैठ के काम करने की वजह से, या फिर आप शायद पढ़ रहे हो लगातार, ये बुक को देख रहे हो, पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, और आप सोचो मैं कर क्या रही हूँ, मतलब पूरा दिन मैं लेके तो बैठी हूँ मतलब 4-5 घंटे से बुक, पर दिमाग में एकदम से आपने जोन आउट वाली फीलिंग महसूस की होगी आजकल, स्पेशली जब से मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का दौर आया है, कि जब हम कभी कभी बुक को पढ़ के लेके बैठे हैं तो एक ही लाइन को हम कई बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है उसको अपने माइंड में रजिस्टर कराने के लिए, कि एक्चुअली में जो मैंने एक सेंटेंस रीड किया है उसका मतलब क्या है,
क्योंकि आपका अटेंशन नहीं होता है उधर, फोकस उस बुक के पढ़ने के टाइम नहीं होता है या उस सेंटेंस को पढ़ने के टाइम में आपको फोकस नहीं होता, आप कहीं ना कहीं स्टक होते हो अपने माइंड में, आपको बार बार उसको, इसलिए आप उसी को बार बार पढ़ रहे होते हो और आपको रीडिंग भी टाइम लगता है आपको रीड करने में। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो आपके माइंड में अच्छे से नहीं जा रहा है, आप सारा सारा दिन एक ही कमरे में एक ही जगह में बैठे हुए हो, एक ही तरह का काम करते जा रहे हो। और दूसरी बात है क्योंकि आजकल एक तरीके से सोशलाइज, जो रियल सोशलाइजेशन की बात करी, मैं वर्चुअल वर्चुअल सोशलाइजेशन की बात नहीं करी, वो भी कम हो गया है, क्वालिटी सोशलाइजेशन नहीं है। अगर रियल है भी तो उस तरह की चीज़ें नहीं है कि जहाँ आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाए या ऐसा कुछ नहीं होता है। तब मोस्टली आफ्टर द पैंडमिक सब थोड़े इनवर्ड्स ही ज़्यादा चले गए हैं, लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट ये मेरी हैबिट हो गई थी। तो इस केस में ये बनता है कि आप या तो बाहर वॉक पे चले जाइए, बॉडी को जैसे आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो आप एकदम से सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं कि ओके मेरी बॉडी भी कुछ है, मैं चल रही हूँ, मेरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन होगा, हाथ पैरों में सर्कुलेशन होगा, आप स्ट्रेचिंग करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको फिर अपने एग्जिस्टेंस का एहसास होता है कि भैया इट्स नॉट, मतलब जहाँ आपके हेड में थे, हेड वाले स्पेस में थे, वहाँ से आप बाहर एकदम से जैसे आपको झटका लगता है और उठते हैं कि देयर इज समथिंग एज माई बॉडी ऑल्सो, क्योंकि आप दिमाग में कहीं ना कहीं अटके हुए होते हो। तो हिलाना डुलाना अपने आपको इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, और उससे फिर आपका ऑक्सीजन फ्लो भी अच्छा होता है, आपके जो माइंड में स्टक थॉट्स होते हैं या एक तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस लाना हो, बट कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्टक पोजिशन में हैं और फिर मेडिटेशन उस समय शायद आप ना करने की स्थिति में हो। तो उस केस में सबसे ज़्यादा ईजी होता है कि आप उठ जाइए, वॉकिंग के लिए जाइए, कोई योगा आसन है तो वो करिए, या फिर जॉगिंग पर जाइए, या फिर नेचर में जाके थोड़ा हल्का फुल्का वहाँ पर टहल लीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, जिस जो जिम जाते हैं वो जिम करें। इससे आपका मेंटल स्पेस जो है या जो ब्रेन है वो बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर थॉट प्रोसेसिंग अच्छी होती है आपकी, एनालिटिकल पावर अच्छी हो जाएगी आपकी, क्विक डिसीजन ले पाएंगे आप। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरी बॉडी में जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वो नहीं फ्लो करेगी तो माइंड ढंग से काम नहीं करेगा, और आफ्टर ऑल माइंड ही वो नर्वस सिस्टम ही है जो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को सिग्नल दे रही है कि अभी लिखना है या अभी खाना पकाना है या जो भी काम आप हाथ पैरों से करते हो या बोलना है तो अपने आप को इफेक्टिवली बोलना। कई लोग अच्छा बोल पाते हैं क्योंकि वो शांत होकर उनका माइंड में बहुत क्लैरिटी होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने जो भी बात वो रखना चाहते हैं दूसरों के सामने वो इजीली रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी है, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, यहाँ ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो कर रहा है, तो कहीं स्टक नहीं आपके माइंड में। तो इसीलिए फिजिकल मूवमेंट अगर अपनी बॉडी को आप रेगुलरली थोड़ी थोड़ी देर में करवाते हैं, अगर आप बहुत देर से बैठे थोड़ा उठ के चल के आइए या कुछ भी ऐसा करिए फिजिकल मूवमेंट, तो स्पेशली नेचर में बाहर खुली हवा में जाके, तो आपका जो ये सारी आपके जो एडवांटेजेस हैं मैंने अभी बताई, क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटर कॉम्प्रिहेंशन, बेटर फास्ट रीडिंग और बेटर एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग और बेटर रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे देती हैं। आई मीन दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हेल्प ऑफ फिजिकल एक्सर्शन ऑफ योर बॉडी। सो आई होप आपको ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू लीड अ एक्टिव लाइफ, पैसिव लाइफ नहीं, एक्टिव लाइफ आप जीना चाहते हैं, मतलब इट्स लाइक नॉट कि लाइफ आपके लिए हो रही है, पर लाइफ आप क्रिएट कर रहे हो माइंडफुली, अपने एक्शंस को कर रहे हो और करते हुए उसे महसूस भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप रोबोट की तरह बस एक मोनोटोनस काम को करते चले जा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो, आप इन्जॉय भी कर पा रहे हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, कोई ना कोई एक्सरसाइज या फिजिकली बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते रहें, जॉगिंग के थ्रू, रनिंग के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू, विच एवर मैनर, और ये आपका ऑटोमेटिकली अगर ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा तो आपकी लाइफ भी ऑन ट्रैक रहेगी और अच्छे से फंक्शन करेगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गॉट द आइडिया दैट वाई और सॉरी हाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो इससे आपकी लाइफ, इस टॉपिक से आई होप आपका माइंडसेट चेंज हुआ, और आपके माइंडसेट चेंज होने से आप बेटर लाइफ क्रिएट कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इनलाइटनिंग और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए हैप्पी हार्ट 1111, और प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए उन सभी के साथ जो आज लाइफ में स्टक फील करते हैं या अपने माइंड में देयर मोर ऑन देयर हेड स्पेस रादर देन इन द रियलिटी, ताकि वो भी इससे बेनिफिट कर पाए और अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रख पाए और समझ पाए कि फिजिकली एक्टिव अपनी बॉडी को रखना
कितना ज़रूरी है जहाँ आज के टाइम पे सब गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और प्लीज़ कमेंट करिए आपके इसमें क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि फिज़िकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रीज़न है कि स्कूल के करिकुलम में फिज़िकल ट्रेनिंग या फिज़िकल एजुकेशन का एक पीरियड स्पेसिफिकली रखा जाता है, क्योंकि इतने 6 से 8 घंटे तक बच्चा अगर सिर्फ क्लासरूम में बैठा रहेगा और एक के बाद एक क्लास में सिर्फ पढ़ता ही रहेगा तो वो एक्चुअली में एक्टिव लर्निंग नहीं करेगा उस केस में। तो बीच में उसको थोड़ा सा फिजिकली मूव, उसकी बॉडी को फिजिकल मूवमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो अपने प्लीज़ विचार या अपने जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट्स में बताइए आपके क्या विचार हैं, और बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेन अ हैप्पी हार्ट। थैंक यू।